नमस्ते दोस्तों, हेल्थ फर्स्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यूरिम टैबलेट्स के बारे में और जानेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके घटक यानी इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका सेवन कैसे किया जाता है यानी इसके डोसेस कैसे लेने हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि प्यूरिम के सेवन से क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो अब बात करते हैं प्यूरिम टैबलेट्स की कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है। प्यूरिम टैबलेट्स हिमालया हर्बल फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाने वाली एक दवा है जो त्वचा रोग की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी ये स्किन डिसीज में उपयोगी होने वाली दवा है। स्किन के संक्रमण का इलाज करने के लिए प्यूरिम के एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीइंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, घाव भरने और एलर्जी विरोधी गुण काम आते हैं। प्यूरिम एक हेपेटोस्टिमुलेंट दवा है, यानी ये दवा लीवर के काम में सुधार लाती है। जैसे ही लीवर इम्प्रूव होता है, स्किन की तकलीफें अपने आप कम होती चली जाती है। इसकी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज मेटाबॉलिज्म के वक्त निर्माण हुए टॉक्सिन्स को शरीर से हटाने में काफ़ी मदद करती है। प्यूरिम त्वचा की एलर्जी और इन्फ्लेमेशन में काफ़ी राहत देती है। रिंगवर्म इन्फेक्शन, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, उस कंडीशन में प्यूरिम बहुत अच्छा काम करते दिखाई देती है। हिमालया प्यूरिम टैबलेट को पिंपल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बताती है और प्यूरिम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और मार्केटिंग भी पिंपल्स के लिए ही किया जाता है। तो अब जानते हैं कि प्यूरिम के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। प्यूरिम में हल्दी, आरगवद, बाकुची, कुष्ठ, कुटकी, गिलोय, वरुण, त्रिफला यानी आंवला, हिर्रा और बहड़ा, विडंग, भृंगराज, कालमेघ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हुई है। इस टैबलेट में जो औषधियाँ है वो सभी खून की सफाई के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये सभी घटक एंटीबैक्टीरियल और इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत काम आते हैं। अब जानते हैं कि प्यूरिम का सेवन कैसे करते हैं यानी इसके डोसेस क्या क्या है। प्यूरिम टैबलेट का सेवन प्रतिदिन 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। याद रखें, इस टैबलेट को कुछ खाने के बाद पानी के साथ लेना है। आप इस टैबलेट को दूध या फिर अन्य किसी पदार्थ से जूस के साथ ना लें। तो आप जानते हैं कि प्यूरिम के सेवन से क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, प्यूरिम एक हर्बल दवा है, इसीलिए इसके कोई भी खास दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते, लेकिन कुछ लोगों को इसे लेने बाद सीने में जलन और पेट भारी भारी जैसा महसूस होता है। यदि आपको दवा लेने के बाद ऐसी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे तो आप इस दवा को लेना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। यदि आपके प्यूरिम के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। उस लिंक से आपको इसकी और जानकारी यानी अवेलेबिलिटी और डिस्काउंटेड प्राइस का पता चल जाएगा, तो वो लिंक्स आप ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्यूरिम की। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम जल्दी ही एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।